तो पहले आप लोकेलिटी देख लीजिए, काफ़ी सुंदर लोकेलिटी है। इस लोकेलिटी में कौन नहीं रहना चाहेगा, तो काफ़ी सुंदर मोहल्ला है। ये रहा लोहे का मेन गेट, प्लीज़ क्लोज द गेट आफ्टर यूज़, बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा कॉमन एरिया है, यहाँ भी भाई की सीवी टिस्टर खड़ी 12 साल पुरानी। और हम चलते हैं घर की तरफ। तो ये मेन डोर है ये, और इस मेन डोर से घुसते ही काफ़ी बड़ा हॉल है। तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर कचरा ये सब दिख रहा होगा। ये देखिए, ये फ्लैटमेट है, बोलो। हेलो हेलो। तो ये कुर्सी है, और ये कुर्सी मतलब जहाँ पे आपको जितना सामान दिख रहा है ये कुछ नहीं है इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये सब हम लोग खाली कर देंगे और पूरी साफ़ सफाई भी करवा देंगे, सो आप इस बारे में टेंशन मत लीजिए। तो ये हॉल है काफ़ी स्पेशियस, और नेट वगैरह लगा हुआ है मॉस्किटो के लिए, सब जगह नेट है, और बढ़िया हॉल है, मज़ा आएगी आपको। और अब यहाँ हम चलते हैं हॉल से। अच्छा, बाय द वे, जैसे ही हम रूम से घुसेंगे अंदर, तो राइट साइड में एक रूम है, ये भी खाली है, आप ये भी ले सकते हैं। और मतलब दोनों रूम ही खाली हैं, बट मैं आपको अपने रूम का टूर दूंगा, बिकॉज मुझे अपना रिप्लेसमेंट भरना है। तो ठीक है, तो ये सब खाली हो जाएगा, ये सफाई करवा देंगे। एक मंदिर है, अगर आप श्रद्धालु हैं तो मंदिर यहाँ पूजा वगैरह कर सकते हैं। मैंने तो अपनी बिल्ली का खाना रखा हुआ है, क्योंकि बिल्ली ने तो चुरा चुरा खा लेती है, तो आप मंदिर खोल सकते हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत मंदिर ऑलरेडी हैं इंडिया में, तो ऐसा आइए। फिर ये फिर बढ़ते हैं हॉल से अंदर की तरफ। छोटी सी गैलरी है, पैसेज है, उसमें एक लेफ्ट में हमारा किचन है, तो किचन में चलते हैं। तो किचन में ये फ्रिज है, बाय द फ्रिज नहीं इंक्लूडेड, सॉरी, कुछ भी इंक्लूड नहीं, पूरा खाली मिलेगा आपको। यहाँ पे फिल्टर वगैरह आप लगवा सकते हैं, और भी भैया चाय बना रहे हैं। तो अगर आप फ्लैट लेते हैं तो आपको एक कप चाय मेरी तरफ से बिल्कुल। तो ठीक है, ये अलमारी वगैरह है, तो यहाँ पर सामान रख सकते हैं, बहुत सारे कवर्ड्स हैं, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, खाली है, कुछ वहाँ ज़्यादा सामान था नहीं हमारे पास। तो किचन है, स्पेशियस है, काफ़ी बढ़िया है। और चलते हैं बाहर की तरफ, अब चलते हैं उस रूम। हाँ, एक कोई कॉमन वॉशरूम है, तो जो वो पहला रूम हमने आपको दिखाया था उसके लिए ये वॉशरूम है, वो जो बंदा वहाँ रहेगा वो उसको यूज़ करेगा, तो आपको इसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जब चलते हैं तो ये बाहर एक लॉबी जैसा एरिया भी, मतलब यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, झाड़ू पोछा ये सब रखा हुआ है। ये बिल्ली का वॉशरूम है, पॉटी करती है यहाँ पर, मतलब बिल्ली मैंने पाली हुई है, और ये जाल है, इस जाल से आपको कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम का नहीं, बस कपड़े पर फैला लिया, चट्टी मैंने फैली हुई है। अब चलते हैं उस रूम की तरफ जो आपका होगा। तो ये रहा वो रूम, इसमें आपको मिलेगा, जो इसमें दो स्विच बोर्ड्स हैं, और ये मतलब कुछ भी सामान इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कबर्ड वगैरह ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, बट ये बेड वगैरह सब मैं डालूंगा, पूरा क्लीनिंग करा दूंगा, क्लीनिंग की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप आराम से किसी को बुला के। सो ऐसा रूम है, और एक अटैच डेस्क वगैरह भी है, अभी बाइक ऑफिस चल रहा है, यहाँ पे ऑफिस में भी सब काम कर रहे हैं हम। और एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए, वहाँ पर विंडो है, मैंने पर्दा लगा रखा है, पर्दा भी इंक्लूडेड नहीं है, और बढ़िया रूम है। और वॉशरूम दिखाते हैं, डू समथिंग गुड टूडे, तो प्लीज़ टेक दिस फ्लैट ऑन रेंट। सो ये रूम है, इसमें एक मिरर है जो काफ़ी गंदा है, इसको हम साफ कर देंगे, इसको भी साफ करा दूँ, टेंशन मत लीजिए, रुमाल टंगी हुई है पता नहीं क्यों। सो बात ऐसी है, और ये रहा अपना ब्रश वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे बम फोड़ सकते हैं, और यहाँ पर बाकी सामान वगैरह रख सकते हैं जो भी आप पास। तो ये था इस घर का टूर, तो मेरा रूम खाली, इसका मैंने आपको टूर दिया, इसमें अटैच वॉशरूम है, और दूसरा रूम भी खाली अगर आप वो लेना चाहें, बट अभी ये वीडियो सिर्फ मेरे रूम के लिए है। सो अगर आप इस रूम पे इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसमें मैसेज भी करती हूँ, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंटली लेना। और ये रूम खाली है 1 नवंबर से, तो आप अक्टूबर के लास्ट वीक में शिफ्ट हो सकते हैं, वी कैन डिस्कस ऑन द डेट्स। और जब भी आप शिफ्ट होना, उसके 2 दिन पहले पूरा घर साफ करा देंगे, बिल्कुल क्लीन अर्बन क्लैब से, तो उसकी टेंशन मत दीजिए, थोड़ा जो गंदा था प्लीज़ इग्नोर दैट। सो अगर आपको चाहिए हो तो सारी डिटेल्स सारी और नीचे मेंशनड है, कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट से पूछ लीजिए, पीस आउट। बाकी इस घर में ये बिल्ली है, काफ़ी प्यारी बिल्ली, ये आपको नहीं मिलेगी, और अगर आपसे दोस्ती करना चाहें तो पक्का कर सकते हैं। बिल्ली बोल दो, कोई फ्लैट नहीं जल्दी।